वेलकम एवरीवन टू द टुडेस क्लास। हम लेसन 3 क्लास 9 और जो बुक है उसमें इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स कौन से हैं। तो इसमें पहला है डिफ़िकल्ट वर्ड में अ फिगर टू बी फियर्ड, तो इसका मतलब है अ पर्सन टू बी फियर्ड, अ पर्सन टू बी फियर्ड। दूसरा इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है स्लिप डाउन, स्लिप डाउन SLIPDOWN, स्लिप डाउन का मतलब होता है कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, बिना किसी इच्छा के ऊपर से नीचे उतरना। गिवन इट अप मतलब स्टॉप्ड डूइंग इट, गिवन इट अप का मतलब होता है स्टॉप डूइंग इट। व्रेस्ट का मतलब होता है अनहैप्पी, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब होता है अबाउट टू कमिट सुसाइड। ये पेज नंबर 33 के वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। चलिए अब पैराग्राफ नंबर 5 में एक वर्ड है लेबरियसली, मतलब लेबर से बना हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिफ़िकल्टी। उसके बाद अगला है वांडर्ड इनटू मतलब वेंट इनटू बाय चांस, स्क्रैप्स अगला है स्क्रैप्स, स्क्रैप्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और अ पेपर एसेट्रा। आपको याद हो तो उसने अपने तकिए में रखने के लिए कुछ स्क्रैप्स यूज़ किए थे जो फाइनली जिससे उसने तकिया बनाया था कैज़िया ने। एक इसमें हुई एंड क्राई, इसको कहा जाता है एंग्री प्रोटेस्ट, एंग्री प्रोटेस्ट। ठीक है, तो ये पेज नंबर 34 तक वर्ड मीनिंग्स जो है हमने कंप्लीट कर ली है। टेक अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनादर, ये एक्चुअली में एक बच्चों का गेम है, TAG TAG, पेज नंबर 35। एक दूसरे को पकड़ने का एक गेम होता है जो मैकडोनल्ड्स फैमिली है उसमें जो गेम खेल रहे थे वो इसी गेम से संबंधित थी पूरी। अगला जो पॉइंट है वो नाइटमेयर्स का है, उसमें अ बैड ड्रीम बुरा सपना से संबंधित है। टग्ड अप का मतलब होता है कवर अप, टग्ड अप का मतलब होता है कवर्ड अप नाइसली इन अ बेड। अगला है स्नगल्ड, स्नगल्ड का मतलब होता है मूव इनटू वार्म एंड कंफर्टेबल पोजीशन टू क्लोज द अनदर पर्सन। तो ये इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स है जो कि काफ़ी इसेंशियल है। आप कभी इनको नहीं कर पाए तो इन्हें ज़रूर करें लेसन के स्टार्टिंग में। अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी बताऊंगा कि क्वेश्चन आंसर्स जो है वो किस तरह से आपको कंप्लीट करने हैं, आपकी प्लानिंग कैसी रहनी चाहिए और किस तरह से इसकी समरी को भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ब्रीफ स्केच ऑफ समरी इसमें दे सकते हैं आप जब लेसन कंप्लीट करें उससे पहले स्टार्टिंग में, और उसके बाद उससे पहले कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लिख लेना, उसके बाद टाइटल और उसके बाद MCQs अगर है उस लेसन में तो वो, साथ में मेन क्वेश्चन एंड आंसर्स और उसके बाद अबाउट द ऑथर अगर उसमें दिया हुआ है तो ये भी लिखना है। तो आपको आपके नोट्स जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में बनाने हैं, आपको सही तरीके से उनको बनाने हैं ताकि आगे चलकर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम आगे की डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपको कमेंट में लिखना है ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है बड़ी आसानी से किया जा सके।
और ये जो लिटिल गर्ल है, इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लेना ताकि आपको समरी और क्वेश्चन आंसर्स में प्रॉब्लम ना आए।